अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में आए बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। सो आज की जी मैसेज का मतलब, आज की मैसेज तो एक खुशखबरी है भाई। आज की मैसेज तो जो हम चाह रहे थे कि सेटर में ऐसे लोग आए जो हाँ थोड़ा सा आगे की तरफ तो जाएंगे इंशाल्लाह, किसी ना किसी दौर में ऐसे लोग आएंगे, लेकिन ये तो दिन आ गया बाकायदा माशाल्लाह से। बैटिंग कोच बन गया मोहम्मद हाँ यूसुफ, और जाहिद बॉलिंग हाँ कोच बना, और रिकू जमा जो यानी हम जो है वो फील्डिंग कोच। जी, जो एक वो सुनते थे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी हाँ हम देखेंगे, देखेंगे, तो हमने काफी देखेंगे। अरसे से हम सुन ही रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देखना शुरू हो गए। वो मुझे जो जो डायरेक्ट अगर हम जंप करें ना टॉपिक, तो हम इस तरह से जंप करेंगे, यूसुफ और मिसबाह की बनती नहीं थी, इसलिए यूसुफ बैटिंग कोच नहीं बना। ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यूनुस ज्यादा अच्छा था अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 वालों को ट्रेन करने। ऐसे हाँ आप वसीम वकार की हाँ बात कर लें, वसीम वकार जो है वो अंडर 16 के लेवल पे कोचिंग नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना काम कर लिया है कि वो अब बच्चों के साथ काम करने में उनको मुश्किल होगी, वो नीचे आने वाली बात जो है वो थोड़ी मुश्किल है। हाँ लेकिन जैसे अब हमारा अजहर महमूद तो ऑलराउंडर था, उसको बॉलिंग कोच बनाया हुआ था, हाँ तो उसने जो बेसिकली हमारे पास टीम में जो न्यूक्लियस था हमारा ऑलराउंडर्स का, वो डेवलप करने के लिए कोई नहीं आया। अभी तीनों जो पोजीशन अप्लाई हुई है वो तीनों बैटिंग, बॉलिंग और कीपिंग के लिए अप्लाई और फील्डिंग के लिए, ये तीन एस्पेक्ट है। ऑलराउंडर को हम लोग जिससे जीतते आ रहे हैं, हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे ऑलराउंडर की वजह से जीते थे, 2009 की T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीते थे, वो भी ऑलराउंडर्स की मदद से जीते थे। तो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्या? क्या क्या डाइवर्जन है, क्या क्या मुश्किल हो सकती है, या क्या पॉजिटिव है, दोनों बताएं। असल में एक हवाले से तो आप ये कह रहे हैं कि भाई तीन स्पेशलिस्ट उन्होंने रखे हैं, तो चलें, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत अपनी जगह मौजूद होती है और इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कल भी जो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो हम बटलर को डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो टेस्ट मैच खेल रहा है, तो खाली बटलर नहीं, मैंने बाद में बैठ के रियलाइज़ किया है, इस वक्त दुनिया में जितनी टीमें खेल रही हैं किसी भी टीम के पास जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। हर कोई ऐसे बंदे को खिला रहा है जो बैटिंग ज्यादा अच्छी करता है और कीपिंग भी कर लेता है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त दो जेन्युइन कीपर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है फोकस पहले इस चीज के ऊपर होना चाहिए, ऑलराउंडर को इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसकी बिल्कुल जरूरत अपनी जगह है, लेकिन फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि जी आपके पास चार बैट्समैन हर वक्त हर टीम में ऐसे मौजूद होने चाहिए जो रिलायबल हो रन बनाने के लिए, और तीन से चार आपके पास ऐसे रिलायबल बॉलर होने चाहिए जो रिलायबल हो विकेट्स लेने के लिए। बाकी फिर बिल्कुल आपके पास जो तकरीबन तीन प्लेसेस बचती हैं उनमें एक आपका विकेट कीपर आ जाता है, और दो आपके फिर जिसे कहना चाहिए स्लॉट्स बचती हैं जिनमें आप एक बैट्समैन एक ऑलराउंडर या दो ऑलराउंडर खिला सकते। तो बिल्कुल ये जो इस हिसाब से अगर रेशो देखा जाए तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना, स्पेशलिस्ट बॉलर होना और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो लकीली, फिर मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त दो जेन्युइन कीपर पाकिस्तान के पास हाँ, मौजूद हैं तीसरा तैयार हो रहा है, रोहिल जिनको, नजीर भी अच्छा फुटबॉल खेलता है। हाँ जिनको आप जो है लॉन्ग टर्म खिला सकते हैं, इवन साथ रख के रोटेशन बेसिस पे। यानी ये दिमाग में मेरे आई, मैंने कहा यार ये क्यों बिला वजह एक दूसरे का, वो आप वाली बात एक वीडियो में आपने कही थी कि एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं, भाई दुश्मन क्यों बना रहे हो, क्लियर कर दो कि अगर तीन T20 खेलने हैं तो पहले दो सरफराज खेलेगा तीसरा रिजवान खेलेगा, तीन वनडे खेलने हैं तो पहले दो सरफराज खेलेगा तीसरा रिजवान खेलेगा, तीन टेस्ट खेलने हैं तो पहले दो रिजवान खेलेगा तीसरा सरफराज खेलेगा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये लोग जो क्यों? बेसिकली जो पॉइंट ऑफ पॉइंट की बात है सारी, वो ये है कि अगर मुल्क का सोचते ना, या आगे बढ़ने का जो अप्रोच होती है उससे सोचें, प्रोफेशनलिज्म से सोचें, मतलब सोच तो कोई सी भी हो, दिमाग तो इधर ही है ना आपका भाई, उसको इस्तेमाल करें दिमाग को। हाँ कि भाई एक बंदे को बिल्कुल आपने, जैसे हम लोग वो 16 मैन सिलेक्शन पे वीडियो बनाई थी कि जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के, कि भाई आप रिजवान को बोलो यार हाँ हमारे पास कोई दूसरा कीपर नहीं है, इस वक्त आप ही हमारे नंबर 1 कीपर हो,
उसको कॉन्फिडेंस तो देंगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अगर आपको रोल नहीं पता मैच शुरू होने से पहले कि आप 4 घंटे पहले आप पता नहीं है और 1 घंटे पहले आप टीम अनाउंस कर दो तो उसमें नाम है उसका, तो वो कैसे अपना रोल डिफाइन करेगा या जस्टिफाई कर सकेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है अभी भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर डिजास्टर आना होता है तो वो एक मिनट में आता है, और लेकिन उसको सालों लग जाते हैं रिपेयर होने। डिजास्टर तो समझ लें पिछले 7-8 सालों से, जिस तरह उमर अकमल को 4 साल कीपिंग कराई गई और जिस तरह सरफराज के कैरियर को एक तरह से शॉर्ट ही कर दिया उन्होंने, जिस टाइम पे उसका प्राइम था उस टाइम उसको खिलाना नहीं था। 2011 का वर्ल्ड कप हम मेकशिफ्ट कीपर कामरान अकमल से खेले थे, लेकिन उसके 3-4 साल 2015 का वर्ल्ड कप हमारे पास कामरान उमर अकमल जो है वो पहला कीपर और सरफराज बैकअप था। ये हमारी जब अप्रोच होगी तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे तो क्या, पीछे भी मेरे ख्याल से बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, पीछे भी जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी यूसुफ का मैं क्रेडिट दूं, यूसुफ को, यूसुफ फिर भी चले वो एक मीडिया सोर्स है जो थोड़ी सी अनार्की फैलाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूसुफ फिर भी जो है ना थोड़ा इन सब में लेवल हेडेड है अभी भी। क्रिकेट तो बाकी थी उसमें, लेकिन वही बात जो मिसबा ने उसके साथ किया नॉन सिलेक्ट करके, तो उसके बाद जो हालत हुई 2010 के बाद बैटिंग की, अभी तक हमारे पास कोई बाबर आजम नहीं आया पिछले 10 सालों में, और तो कोई जनरल बैट्समैन जो रन भी बनाए और रैंकिंग भी उसकी इंप्रूव हुई है। रैंकिंग भी उसकी बात करनी पड़ेगी, टेस्ट में नंबर 5 कर गया बिल्कुल। बॉलर्स का बताएं ऐसे ही है। हाँ जी, तो इसी का ना बिल्कुल सही है, बाबर आजम ने जो है वो मुसलसल परफॉर्म किया है, तो अब जाहिर सी बात है उसकी रैंकिंग में उसका असर नजर आ रहा है, और ये लंबे अरसे तक सरवाइव करेगा इंशाल्लाह ये तीनों क्रिकेट में और टॉप में रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रन्स बनाने की भूख है और वो अपनी गलती को हर वक्त जो है ना सुधारने की कोशिश में लगा रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि अब मैंने 50 बना ली है तो बस अब मेरी अगले मैच की जगह पक्की हो गई। वो T20 को भी बहुत सीरियसली खेलता है, यानी आप ये कह लें कि मेरे ख्याल से जो भी एक प्रोफेशनल आदमी का काम होना चाहिए ना, आप अपने काम से इंसाफ तो करो। मैं इस चीज के ऊपर जो है ना क्रिकेट बोर्ड को, बहरहाल जो है हम लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर मैं क्रिकेट बोर्ड को आप कह लें उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एकेडमी के लिए प्रॉपर बैट्समैन को हायर किया, कि वो अपनी आप कह लें कामनेस और कंपोजर, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ को हम बैटिंग करते हुए देखते थे कि सामने से जो बॉलर्स थे स्टीव हार्मिसन और कई बॉलर्स ऐसे होते थे जो बहुत एग्रेसिवली हॉस्टाइल किस्म की बॉलिंग भी कर रहे होते थे और साथ में कमेंट्स भी पास कर रहे होते थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ का हिसाब किताब ये था कि वो शॉर्ट मार के मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे कि जी वो बॉलर को जवाब ही नहीं देते थे, जिससे बॉलर और ज्यादा गुस्से में आता था। ये बड़ा मुश्किल काम है जवाब ना देना, क्योंकि जब कोई शख्स आपको बुरा कहे, अब्यूज कर रहा हो, तो आप उस वक्त बगैर सोचे समझे उसको जवाब देते हैं। ये एबिलिटी डेवलप होना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल उस बंदे के अंदर थी, क्योंकि आप फोकस अपना लूज कर जाते हो। बैट्समैन मैंने देखा है कि वो अचानक से किसी कोई अग्रेसिव जुमला बोला या बाउंसर हुई या एक ओवर जो है वो आपने मेडन खेल लिया किसी बॉलर का और उसको बिल्कुल डेड बैट के साथ खेल लिया, तो आप यकीनन बॉलर को तो वटेगी भाई, बॉलर तो बोलेगा क्या मसला है तेरे साथ। तो अगर बैट्समैन उस वक्त दिमाग यूज करे, क्योंकि सारा काम फोकस का टेस्ट मैच या वनडे या T20, एक बुरी बॉल भी आपको आउट कर सकती है, तो आपको अगर फोकस नहीं है आपका, और मैं समझता हूँ यूसुफ जो है वो फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि चले मानता हूँ मैं उनकी थोड़ी सी एक चीज मुझे थोड़ी सी कभी कभार प्रॉब्लम करती थी कि भाई आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स है ना, उस पर भी फोकस उतना ही होना चाहिए जितना बैटिंग का होना चाहिए, लेकिन नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, उसको पता है किस तरीके से बैट्समैन को आगे रन बनाने चाहिए और बॉलर को फ्रस्ट्रेट किस तरह करना, यानी वो आपकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कब करना शुरू करेगा जब आप उसे मेंटल बैटल में हरा दोगे, ये यूसुफ को पता है बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आ जाते हैं बॉलिंग कोच पर, जाहिद साहब को जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट तरीन कैरियर जिनका था उसमें से बॉलिंग कोच लिया है, रहते हुए इंग्लैंड में बच्चे उनके गोरे और उनको पाकिस्तानी बॉलिंग कोच बनाया, क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव? मैं तो असल में पता है क्या, बॉलिंग कोच के हवाले से किसी एक स्पेसिफिक नाम के बजाय मैं तो सिर्फ ये बॉलिंग कोच से चाहता हूँ
कि जो हमारे बॉलर्स के अंदर एग्रेशन को निकाल दिया गया है, वो कोई बंदा आए और वो एग्रेशन वाला जो इंजेक्शन है, चाहे वो घोड़े के साइज की सिरिंज होती है ना जो घोड़े को लगाई जाती है, उस साइज की सिरिंज में एग्रेशन भर के लगाने की जरूरत है हमारे बॉलर्स को। हाँ, ये चीज सही है, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट मैच जो हारे हैं पहला, उसमें हमें यही चीज करनी पड़ेगी, फास्ट बॉलर जो है ना मीडियम पेस पर। एग्रेशन प्लस माइंड गेम, यानी माइंड गेम की आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप दूर कहीं नहीं जाएं, आप किसी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, आप माइंड गेम की जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं इंडिया से। इंडिया के पास बमरा, शामी, ये सारे, ईशान शर्मा, इन सारे बॉलर्स को अगर आप इनकी रेगुलर पेस वगैरह की बात कर लें तो बाकियों से ये ज़्यादा पेसी हैं, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में ये कभी भी कंसिडर नहीं होते कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स साल भर पहले मैंने देखे थे कि जब ये टेस्ट मैचेस में सब्स्टिट्यूशन वाला सिलसिला शुरू हुआ था कि जख्मी होने पे बैट्समैन प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो बड़े हैरान कुन स्टैटिस्टिक्स थे कि एक साल में जो 12 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुए जख्मी होने की वजह से, उनमें से 11 इंडियन बॉलर्स ने जख्मी किए थे। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये जो एग्रेशन, ये जो माइंडसेट है, विकेट टेकिंग माइंडसेट कि बैट्समैन को तंग करो। ईशान शर्मा की अगर आप बॉलिंग उठाएं, शायद लोग मुझे बोलें कि यार आप किस बॉलर की बात कर रहे हैं, वो तो आड़ी टेढ़ी गेंदे कराता है। भाई वो कराता है आड़ी टेढ़ी गेंदे, लेकिन वो बैट्समैन के माइंड से खेलता है और बैट्समैन को वो इतना टीस कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि बैट्समैन लाजमी गलत शॉट मारने को राजी हो जाता है, और फिर वो अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए अचानक से कोई बाउंसर मार देता है जो ऑकवर्ड हाइट से लेंथ से उठती है, या अचानक से जो है वो पैड पे लग जाती है, या अचानक ग्लव इधर को लग के पीछे इधर उधर निकल जाती है। तो यही रिक्वायर्ड है टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया मैं तो यही चाहूंगा, जीता है एक ऑस्ट्रेलिया में और एक टेस्ट में इंग्लैंड में जीता है, एक साउथ अफ्रीका में। उनमें बेसिकली बॉलिंग का ज्यादा कमाल था, बैटिंग तो साउथ अफ्रीका छोड़ के, क्योंकि जोहानिसबर्ग पे तो पता नहीं क्या रिडिकुलस विकेट बना दी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका छोड़ के इंग्लैंड में भी जो टेस्ट में जीते थे उसमें बॉलर्स नहीं उनकी, और वो बॉलर्स जो कंसिस्टेंटली लेंथ भी हिट कर रहे थे लेकिन कॉन्स्टेंटली सरप्राइज भी कर रहे थे। अब आप एक ही जगह पर बॉलिंग करे जाएंगे जाहिद के जरिए, या जाहिद से मैं चाह रहा बॉलिंग करनी, देखें पाकिस्तान के खून में, पाकिस्तानियों के खून में फास्ट बॉलिंग करना, लेकिन अब आजकल के दौर में स्किल लेवल भी उतना ही एडवांस होना चाहिए कि आपको कैप्चर करना हो बैट्समैन को रॉन्ग फुट, कि वो सोच ना रहा हो जो आपने करना है, जो भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वही सेम। मैं उसको थोड़ा सा वो कर दूँ, एग्जैजरेट कर दूँ, कि अगर आप बैट्समैन को नहीं, अगर मेंटली नहीं उसको डिफीट दे पा रहे, तो एटलीस्ट आपका एग्रेशन ऐसा होना चाहिए। मैं शोएब अख्तर तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल, मैं अगर आप वैगनर की बॉलिंग देख लें ना आज करंट में, तो वैगनर कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो थका हुआ आ रहा बनता है, या मेंटली उसको रेस्ट चाहिए या फिजिकली उसको रेस्ट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विकटे नहीं है, उसमें वो सुपर के ऊपर के जितने बैट्समैन थे सब कह रहे हैं ऐसी बॉलिंग हमने नहीं खेली, तो इसका मतलब उस बंदे ने कोई ना कोई चीज अचीव तो की ना, क्या अचीव की, वो इधर बैठ गया। बिल्कुल, जब आप इधर बैठे हो ना बैट्समैन के, अब जैसे फर्ज करें आपका कहीं रास्ते में अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी लग जाए, कुछ होता है, एक्सीडेंट हो जाए, जब बंदा गुजरेगा ना उस जगह से, वो बंदा सोचता हुआ जाएगा कि यार ये चीज यहाँ पे मेरे एक्सीडेंट। इसी तरह एक दफा बॉलर बैट्समैन को हिट कर दे ना, अगर हेड पे हिट कर दे, हेलमेट पे कर दे, सीने पे मार दे, बॉडी पे मार दे, वो बैट्समैन के दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि वो रहता तो क्रीज में ही है ना। बिल्कुल भाई, रहता तो क्रीज में, उसी जगह पे घूम रहा है ना वो, उसको पता है बॉल लगी थी मेरे। और अगर जैसे क्रिस्टन के साथ हुआ था, गैरी क्रिस्टन के साथ, जिसकी नाक से खून निकला है, अब कैलिस के साथ हुआ था, उसने बेमर मार दी थी शोएब अख्तर ने उसको, तो उसकी बॉडी पे लगी अगले बॉल को, वो आगे फ्रंट फुट आगे ला ही नहीं सका, क्यों नहीं ला सका, उसके दिमाग में फेयर बैठ गया था कि भाई बॉलिंग का कोई पता नहीं है कि बॉल कहाँ पड़ेगी क्या लगेगी। ये चीज पाकिस्तान को जो लैक कर रही है, जो टेस्ट मैचेस हम अभी नहीं जीत पा रहे, वो इसलिए नहीं जीत पा रहे कि बॉलर जो है ना वो अपनी लिमिट में आ, मतलब लिमिट क्या होती है उनको बता दिया है, इस सर्कल में घूमना है, वो कोलू का बैल बना दिए कि बस ओवर करो, जाओ खामोशी से बैठ जाओ, कोई इंटरेक्शन नहीं है उनकी, कोई चीज़ नहीं है,
कोई गलत फील्डिंग कर रहा है, कोई शोर नहीं मचा सकता, वो डिसिप्लिन के खिलाफ बढ़ गया, बला बला पता नहीं क्या क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन फास्ट बॉलर के पास वाइल्डनेस ना हो ना दिमाग में, मतलब उसको बिल्कुल खपती होनी चाहिए, तो दिमाग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अगर आपके पेस है आप डरा सकते हो सबको। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आजकल बहुत ज्यादा फील होने लगी, मैं पाकिस्तानी बैट्समैन देख रहा हूँ, आबिद अली को देख रहा हूँ, बाबर आजम को देख रहा हूँ, शान मसूद की हाइट अच्छी है, हमारे बॉलर्स और बैट्समैन हाइट में बड़े मिडिल एज के आने, वो मिडिल एज से फर्क ये पड़ रहा है। अब्रॉड अगर आबिद अली के सामने खड़ा हुआ है तो आबिद अली तो उसके सीने से भी नीचे आ रहा है, तो वो आप अगर शॉर्ट बॉल करते हैं, या अगर आप ईशांत शर्मा के सामने कामरान अकमल की जो लड़ाई है एशिया कप वाली अगर वो देख रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि वो तो आसमान से बात कर रहा हो, वो जमीन पर खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान को इस तरफ भी थोड़ा सा मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप उनकी बॉडी बिल्ड करें, आप उनको अब 17 साल का नसीम शायद वो एवरेज हाइट है 5'5" 6'5" 7" से ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा सा हाइट की तरफ भी फोकस करें, आप हर चीज़ को देखें, एक ओवरऑल बैकग्राउंड बनाएं उसका कि भाई इस वाले जैसे एक डायग्राम बनी होती है उसके अंदर कलर करना होता है, अब कलर से आप लाइन से बाहर जाएगा तो डायग्राम बदनुमा होनी शुरू हो जाती है, तो आपको कम से कम उस स्टेचर के बॉलर उस स्टेचर हाई हैं हमारे पास। सोहेब मकसूद के बाद मुझे याद नहीं है बैट्समैन कोई आया हो जितनी इसकी हाइट हो, शान मसूद अभी आया, शोएब मकसूद के बाद आप देख लें, फास्ट बॉलर में भी आप देख लें आपको कोई हाइट वाला बॉलर नहीं लगेगा, अभी आरएस राव की थोड़ी सी हाइट, बाकी सब मीडियम हाइट के बॉलर। ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं विकेट आपको सपोर्ट करती है, अगर आपकी हाइट ज्यादा बाउंस मिलेगी, अगर आप स्पिनर हाइट वाले हैं तो जैसे बिलाल आसिफ को दुबई में मिल गया था स्पिन, तो अगर दानिश कनेरिया को मिलता था, इवन अगर आप लंबे स्पिनर की बात करें तो अश्विन लंबा स्पिनर है, तो आप हाँ आप कहां से हर एस्पेक्ट को देख के बात करें, कीपिंग के बारे में क्या था कीपिंग अतीकु अच्छा जमा दिया इन्होंने। हाँ अतीकु जमा जो है वो अपने वक्त के अच्छे कीपर्स में से थे, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं खेल सके क्योंकि उस टाइम राशिद लतीफ और मोइन खान जो है वो रोटेशन में खेल रहे होते थे, और फिर जब वो गए तो एक ही टेस्ट मेरे ख्याल है शायद अतीकु जमा खेले, और उसके बाद फिर कामरान अकमल का दौर शुरू हो गया। अब वो जैसा भी दौर था बहरहाल चला बड़े लंबे अरसे, काफी कुछ अरसे हमने एंजॉय किया, बाकी कुछ बाकी अरसे हमने भुगता है बर्दाश्त किया है, तो उस चक्कर में हम उनके एक्चुअल पोटेंशियल को मेरा ख्याल है हम देख ही नहीं सके एज ए व्यूअर, और ये तो जिन लोगों ने उनके साथ खेला है वो जानते होंगे, और लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा डिसीजन है क्योंकि जिस प्लेयर ने डोमेस्टिक में जान मारी हुई हो उस बंदे को अगर आप कोचिंग सेटअप में लाएं तो वो ज्यादा आप फ्रूटफुल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने लोअर लेवल पर भुगती हैं और वो किस तरह लोगों को हेल्प आउट कर सकता है कि वो प्रॉब्लम वो ना भुगते हैं या कम हो उनके लिए। बिल्कुल अच्छी ये अच्छी अपॉइंटमेंट अच्छी है, बस वही जो दौर था उस वक्त तो बादशाह देव मोइन और मोइन अपनी जो उनकी थी उसमें खेलते थे, जो उनका अपना एक कबीला था, राशिद जो है वो थोड़े से बाकी किस्म के आदमी थे, तो जब मोइन की नहीं बनती थी तो राशिद साहब आ जाते थे। तो अतीकु जमा ये लोग मतलब ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं किसी भी हाल में, उनको चाहे मिल जाता अपॉर्चुनिटी लीग के लिए ढेलने जाते हैं वहीं के नेशनल बन जाते, बहुत से लोगों ने किया ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को होना, और मैं एक पॉइंट और जरूर करूँगा, मिसबा को भी जो लाने की वजह थी वो यही थी मेन, कि वो डोमेस्टिक खेले में उन्होंने बहुत रगड़े खाए, उसके बाद उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था, फिर वो बहुत अच्छे तक टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, फिर दोबारा आए परफॉर्मेंसेस से आए या जैसे भी आए, लेकिन आए वो दोबारा, और डोमेस्टिक का मतलब उनको कच्चा चिट्टा पता है पूरा कि क्या है, तो इसीलिए हायरिंग का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़। अब हर तरह का ब्लैंड का बंदा होगा, यूसुफ जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के हाई परफॉर्मर है, जाहिर एक्सप्रेस पेस में थे लेकिन अब इंटरनेशनल सेटअप में है, वहाँ से आएंगे तो कोई नया तजर्बा लेके आएंगे, अतीकु जमा बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेकर आएंगे, तो सिलेक्शन तो अच्छी हैं, देखें आगे पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरीन। लेकिन बस मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, अतीकु जमा जो है इस चीज़ को फोकस करें, यकीनन वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि विकेट कीपर ही रहना चाहिए, मेरा अभी भी वही स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि विकेट कीपर पहले विकेट कीपर होना चाहिए उसके बाद बैट्समैन होना चाहिए, ये जिसको भी पिक करें एज ए विकेट कीपर उसको जेन्युइन कीपर रखें,
और इसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना के खेल सकते हैं। हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि जी हमारा जो विकेट कीपर है वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भाई अगर वो 120 130 के स्ट्राइक रेट से भी वनडे या टी20 में रन बना रहा है, दैट इज मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड कि वो कैच जो आए वो ना छोड़े, स्टंप ना छोड़े। यही पॉइंट, दैट्स इट। इयान चैपल ने जो अभी दूसरे टेस्ट के स्टार्ट पे लिखा था कि वो जो बटलर की हीरोइक्स हैं उसकी जरूरत ही ना पड़ती अगर वो चार डिस्मिसल जो उसने छोड़ी है बटलर ने शुरू में मैच के, वो अगर बना लेता तो पाकिस्तान उससे कम रनों पे आउट हो जाता, 200-250 के दरमियान आउट हो जाता, और वो रन कम करने तो ऑटोमेटिकली जो है वो आखिरी इनिंग में उनको कम रन बनाने के बटलर की जरूरत भी ना पड़ती इस इनिंग की। अगर जो काम जिसका है वो कर रहा है तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, वीडियो को यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह ताला, फर्स्ट टेस्ट के साथ थर्ड टेस्ट के रिव्यू पे हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें जी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगेन बेल आइकॉन भी दबाने के लिए होता है और लाइक भी दबाने के लिए होता है। थैंक यू सो मच। चलें जी, शुक्रिया।